हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। एंड टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द हनी बीज। तो हनी बीज का जो जूलॉजिकल नेम होता है, इसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। अगर वो इंडिया की स्पीसीज है तो उसको हम एपिस इंडिका कहेंगे, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले एक एनिमल्स है, और क्लास जो है वो इसका इंसेक्टा है, यानी ये एक तरह का इंसेक्ट है। ऑर्डर इसका जो है वो हाइमिनोप्टेरा है, जबकि फैमिली एपिडी है, ठीक है। तो ये जो होता है, असल में जो हनी बीज होती है वो उसकी पूरी दुनिया में एक अलग अलग स्पीसीज़ है। जैसे आपको मैं बता दूं कि एक एपिस डॉर्सेटा स्पीसीज़ है, ठीक है, और दूसरी स्पीसीज़ जो है वो एपिस इंडिका है, जो कि इंडिया की स्पीसीज़ है, और एपिस फिलियोरा है, एपिस मेलिफेरा है, यूरोपियन भी है। तो हर एक देश के अंदर लगभग हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की स्पीसीज़ पाई जाती है। जनरल फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो हनी बीज कलराइज आर कॉलोनीज आर द प्रोफेशनल्स, देर आर द थ्री कास्ट इन ए ग्रुप इन ए गुड कॉलोनी ऑफ हनी बीज विथ नियरली 50,000 वर्कर। तो ये जो एक हाइव के अंदर, हाइव को बोलते हैं जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके अंदर 50,000 जो है वो वर्कर्स होते हैं विद द वर्कर्स एंड डोनर। तो ये जो इनका सोशल बिहेवियर है, इनको थ्री टाइप्स में, इनको थ्री हम कह सकते हैं ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है एक क्वीन जो कि फर्टाइल फीमेल होती है, ड्रोन्स होता है जो कि मेल्स होता है, और जो वर्कर्स होते हैं स्टराइल होती हैं, फीमेल होती हैं 90%। तो आप देखते हैं कि 90% जो होता है किसी हाइव में वो वर्कर्स ही होते हैं, 9% जो होते हैं वो ड्रोन होते हैं, वो केवल 1% ही क्या होता है, क्वीन फर्टाइल फीमेल होती है। तो समझ लेते हैं कि क्वीन फर्टाइल फीमेल क्या होती है। द क्वीन इज़ द लार्जेस्ट फर्टाइल फीमेल विद द डेवलप ओवरीज एंड फीड्स ऑन रॉयल जेली। द क्वीन फर्ट जो होती है वो सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है अपने छत्ते के अंदर, और इसके पास एक वेल डेवलप्ड ओवरीज होती है, और साथ साथ में ये क्या खाती है, रॉयल जेली खाती है, यानी कि इनको अलग से एक फूड मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स, उसको हम रॉयल जेली कहते हैं। और शी इज़ ए कॉल्ड मदर ऑफ द कॉलोनी, और इसको हम कॉलोनी की मदर कहते हैं, ठीक है। एंड गार्डेड बाई नंबर्स ऑफ अटैच द अटेंडेंस एंड हैज़ टू डू ओनली इग्लेइंग। तो इनका काम ये क्या करते हैं, बस इनका काम ये है कि हाइव के अंदर अंडे को प्रोड्यूस करना या अंडे को देना, एग ले करना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। वन क्वीन लेस अबाउट द 50,000 to 2,000 एग्स इन ए डे, यानी कि जो क्वीन जो फर्टाइल फीमेल होती है, जो क्वीन होती है, वो एक दिन में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1,500 से लेकर के 2,000 एग्स को प्रोड्यूस करती है एक दिन में, और कह सकते हैं कि 15 लाख जो है एग प्रोड्यूस करती है विद इन द 2 to 5 years, यानी कि 2 से 5 सालों में ये 15 लाख एग को प्रोड्यूस कर देती है इन हर होल अन होल लाइफ स्पैन, अपने पूरी ज़िंदगी में। इसके मतलब ये हो गया कि लगभग इस पर जो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो 2 to 5 years होता है। बहुत सारी 3 साल भी जी सकती है, 3 years भी, 4 years भी, 5 इसका मैक्सिमम माना गया है। शी हैज़ नो वैक्स ग्लैंड, इसके पास वैक्स ग्लैंड नहीं होती है, इसलिए तो ये हाइव को बना नहीं पाती है। और मॉडिफिकेशन ऑन लेग्स फॉर द पॉलन कलेक्शन, जो इसका इसके पास वैक्स ग्लैंड नहीं होती, साथ साथ में इसके पास जो पॉलन ग्रेन्स को या पॉलन जो पार्ट्स होता है फ्लावर्स को, उसको कलेक्ट करने के लिए इसके पास पॉलन कलेक्शंस नहीं होता है, ठीक है। पॉलेक्ट ट्यूब जो होती है जिसमें वो जो वर्कर्स जमा करती हैं पॉलन को। ड्रोन मिल्स क्या होता है, ड्रोन इज़ द मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी एंड इट इज़ अ लार्जर एंड शाउटर दैन वर्कर। ये थोड़ी सी क्या नाम है, जो वो हमारा जो वर्कर्स होती हैं उनसे थोड़ी सी बड़ी भी होती है और चौड़ी भी होती है, लेकिन जो फीमेल फर्टाइल जो होती है, क्वीन जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ी सी छोटी होती है। इट इज़ अ कॉल्ड एज अ किंग्स ऑफ द कॉलोनी, और इनको कॉलोनी को किंग्स कहा जाता है या किंग कहा जाता है। इट हैज़ द होलोप्टिक आइज, इसकी जो आइज होती है वो होलोप्टिक टाइप्स की होती है, विच ए टच ईच अदर डॉर्सली, जो कि एक दूसरे से वो क्या करती है, टच करती है, यानी कि ऐसी आइज जो कि एक दूसरे से वो टच करती है, ऐसी आइज को हम होलोप्टिक आइज कहते हैं। मैंडिबल्स आर नॉट, जो होता है मैंडिबल्स प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, दे आर द विदाउट स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड विथ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनके पास जो होता है वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सॉरी दे हैज विदाउट स्टिंग, तो ये विदाउट स्टिंग के और वैक्स ग्लैंड भी इनके अंदर नहीं होता है, विथ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव, लेकिन इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है, जिससे वो मेटिंग करते हैं फीमेल के साथ। नाइंथ स्टर्नम
हैज़ टू क्लास्पर एंड मेम्ब्रेनस एस्पेजेस। तो नाइन स्टर्नम जो होता है इनके पास होता है, एक नाइन स्टर्नम पे क्या होता है क्लास्पर होता है और एक मेम्ब्रेनस क्या होता है एग्जेक्स होता है। द सोल ड्यूटी इज टू द फर्टिलाइज टू द क्वीन ड्यूरिंग द स्विमिंग कैपिलरीज एंड एयर एंड डाइज। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो फीमेल के साथ इनका क्या होता है, इनका साथ रिप्रोडक्शन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में। उसके बाद इनका जैसे ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, जैसे ही क्वीन अपने हाइव में चले जाती हैं, तो ये जो मेल होते हैं वो दोबारा हाइव में नहीं आ पाते क्योंकि वर्कर्स उनको आने नहीं देती। और ऐसे ही क्या नाम है सनलाइट के प्रेजेंट में वो डेथ कर जाते हैं क्योंकि वो हाइव नहीं बना पाते हैं। जैसे वर्कर, अब वर्कर देख लीजिए क्या करते हैं, वर्कर्स आर डिप्लॉयड स्टराइल फीमेल होते हैं, यानी कि कैसी कह सकते हैं कि एक ऐसी पार्ट्स होते हैं किसी हाइव का जो कि ये स्टराइल होती है, यानी कि ना तो ये फीमेल को ना तो ये बच्चे को पैदा कर सकती हैं, इनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, ये स्टराइल होती हैं फीमेल। द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी साइज़ में होती हैं और देयर बॉडी इज़ मॉडिफाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉलिन, और इनका जो पूरी बॉडी होती है इस तरह का मॉडिफाई होता है कि ये पॉलिन को और नेक्टर को ये क्या कर सकते हैं अपने अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्या ना फ्लावर्स को सक करने के लिए जाते हैं तो जो नेक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपने ट्यूब के अंदर जो उनको अडाप्ट किए होता है उनकी बॉडी में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो उनके अंदर रख लेती हैं। तो इनका इस तरह से उनका पूरा बॉडी मॉडिफिकेशन होता है। द हिंड लेग्स जो होता है पासेस पॉलिन बास्केट, हिंड लेग्स जो होता है इनके पास एक पॉलिन बास्केट होता है जो कि पॉलिन को रखती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो मधुमक्खियां होती है वो क्या कराती हैं, परागण कराती हैं, जिसको हम बोलते हैं जिनको हम पॉलिनेशंस कहते हैं। तो द इंडोर वर्कर्स आर अलॉटेड विदाउट सॉरी अलॉटेड डिफरेंट वर्कर्स एंड रिमेन इन हाइव ओनली। तो बहुत सारी जो वर्कर्स होते हैं वो फूड की खोज में वो बाहर निकले होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो घर पर ही यानी हाइव पर ही रहती हैं। दस देर द अदर सेवन टाइप्स ऑफ इंडोर वर्कर्स। तो जो इंडोर वर्कर्स होती हैं यानी कि जो हाइव की जो वर्कर्स होती हैं उनको सेवन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नर्सेज, दूसरी होता है बिल्डर, तीसरा होता है रिपेयर्स, क्लीनर्स, फैनर्स, स्टोर कीपर एंड गार्ड बीज। द नर्स जो होती है, नर्सेस का मतलब क्या काम है, द नर्सेस लुक आफ्टर द नर्सरीज। तो ये जो एग से जो अंडे प्रोड्यूस होते हैं बाहर आती हैं उनकी देखभाल करती हैं। द फीड ग्रब्स, उनको ग्रब्स खिलाती हैं। द बिल्डर जो क्या करते हैं, बिल्डर जो होता है वो मैन्युफैक्चर ऑफ द वैक्स, वो वैक्स का मैन्युफैक्चर करते हैं और बिल्ड न्यू कॉम्ब, और एक नया कॉम्ब बनाते हैं, नया हाइव कह सकते हैं, नया हाइव बनाते हैं, ठीक है। एक हाइव में ढेर सारे कॉम्ब होते हैं, उनको बनाने काम करते हैं। द रिपेयर्स क्या करते हैं कि इनके हाइव में कहीं भी टूटी फूटी चीज़ हो जाती है उनकी मरम्मत का काम करते हैं। तो रिपेयर्स द स्मॉल सर्विक्स इन द हाइव। द क्लीनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव द वेस्ट एंड डेड बॉडीज़, क्या करते हैं, द ग्रब्स एंड द बीज फ्रॉम द हाइव। तो जो फीमेल होती है वो एक्सक्रेटरी प्रोड्यूस भी करती हैं अपने हाइव के अंदर। तो जो क्लीनर होते हैं साफ़ सफाई का काम करते हैं, वो गंदी चीज़ों को या कूड़ा करकट को बाहर भी करते हैं, और जो मधुमक्खियां मर भी जाती हैं उनको बाहर भी करते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि फैनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीट देयर विंग, अपने विंग्स को तेज़ी से वो बीट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि फॉर द वेंटिलेशन ऑफ द कॉम्ब, ताकि हमारे कॉम्ब के अंदर कमरे के अंदर हवा बनी रहे, अच्छी खासी हवा आती रहे, ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो इसलिए फैनर्स जो होते हैं वो हवा देने का काम करते हैं ताकि गर्मी ना लगे, हाँ ये मत समझिएगा, ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए। इसका स्टोर कीपर, जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, रिसीव नेक्टर द पॉलन एंड गम्स वाटर फ्रॉम द आउटडोर वर्कर्स टू द की प्रॉपरली। तो ये जो बाहर से जो लेकर आती है नेक्टर जो लेकर आती हैं या फिर हम जूस जो लेकर आती है फूलों का सारा का सारा वो हाइव के अंदर कहीं ना कहीं वो उनको जगह मिलती है, उसी में वर्कर को जमा करते, तो वो स्टोर कीपर का काम हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइव है एक तरह का। अब ये हाइव ऑफ हनी बीज, इसमें देखिए ये जो थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है इसमें ड्रोन सेल रहती हैं। ये जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है उसके अंदर आप जो है तो होती है क्वीन सेल्स होती हैं, जबकि छोटे छोटे आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या कौन रहता है, वर्कर्स सेल होती है, वर्कर्स रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।